Good morning, myself Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes. Student, today we'll start our economics second lesson, People as Resource. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. ये जो chapter है People as a Resource, ये हमारी कोशिश है हम लोग को ये बताने की कि ये पॉपुलेशन जो है हमारे लिए एक तरह का एसेट्स है, अपने इकोनॉमी के लिए अपना फायदेमंद है रेदर देन लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज के बजाय. पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. पॉपुलेशन जो है ये हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल के रूप में एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जब हम इसको एजुकेशन के रूप में लेते हैं, उसको ट्रेनिंग के रूप में लेते हैं या मेडिकल केयर के रूप में लेते हैं. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम. और ह्यूमन कैपिटल जो है एक हमारे स्टॉक है, हमारे कार्य का स्टॉक है, हमारे हुनर का स्टॉक है और ये प्रोडक्टिव नॉलेज हमारे को मिलती है. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. People जो हमारे resource है उसको हम लोग refer करते हैं एक तरह का working people के according जो हमारे productive skills और ability के according होता है. Looking at the population from this productive aspects emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. और उन्हीं की ability के कारण हम gross national product को create करते हैं. Like other resources, population also is a resource, a human resource. दूसरे resource की तरह population भी एक तरह का resource है जिसे हम human resource कहते हैं. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. ये हमारा positive side है population का जब हम लोग उसके जबकि हम लोग negative side को overlook करते हैं. Considering only the problems of providing the population with food, एजुकेशन एंड एसेस टू हेल्थ फैसिलिटीज. हमारे ज़्यादातर हम लोग के प्रॉब्लम्स भी आते हैं अपने पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होती है तो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं फूड के अकॉर्डिंग और एजुकेशन के अकॉर्डिंग और अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग. व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन that adds to the productive power of the country just like physical capital formation. जब हमारा human resource जो है developed होता है education के according और health के according तो हम इसको human capital formation बोलते हैं. ये हमारे productive power होती है country की और जिस तरह से अपने physical capital formation होता है उसी तरह से भी productive power हमारे country की होती है. Investment in human capital through education, training, medical care yielding a return just like investment in physical capital. हम लोग जिस तरह से physical capital में invest करते हैं उसी तरह अगर हम लोग human capital में invest करते हैं एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर, मेडिकल केयर पे, तो ये हमारा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल. ये हम लोग को डायरेक्टली हायर इनकम हम लोग अर्न करते हैं अपने हायर प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग. इसी तरह अपने एजुकेशन अगर ज़्यादा होता है, अच्छी ट्रेनिंग होती है, तब भी हम हाई अर्न करते हैं, अपने हेल्दी होंगे, अपने हेल्दी
पीपल जितने होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी भी हायर होगी। इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कैर्स लैंड रिसोर्स है। हमारे भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हमारे ग्रेटर नॉलेज के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, टेक्नोलॉजी के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। इंडियाज़ आईटी रिवोल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर अ हायर पोजिशन देन डैट ऑफ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरह से अपने इंडियन आईटी रिवोल्यूशन के कारण क्या है, हम इंडियन ह्यूमन कैपिटल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसके कारण हम हायर पोजीशंस में पहुँचे हैं और यह हमारे को मटेरियल प्लांट और मशीनरी के अकॉर्डिंग हम लोग की हायर पोजीशन तक हम पहुँचे हैं। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन ऑर्डर इन अदर इनडायरेक्ट वेज, बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड टू दोज हु ऑल्सो हु देम सेल्स वे नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दियर पीपल हमारे इनकम्स भी गेन करते हैं और साथ साथ सोसाइटी में भी उनका मान ज़्यादा बढ़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये एडवांटेज जो है ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन ये ज़्यादातर लोगों तक फैलती है, जिसके कारण वो डायरेक्टली एजुकेटेड भी होते हैं और हेल्थ केयर पर भी ध्यान देते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। जबकि ह्यूमन कैपिटल जो है ज़्यादा सुपीरियर है दूसरे रिसोर्सेज के कारण, जैसे कि लैंड और फिजिकल कैपिटल के कारण कैपिटल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ही है जो हमारे लैंड और कैपिटल को ग्रो कर सकता है, जो कि हमारे लैंड को हम यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑफ इट्स ओन, जबकि हम जानते हैं लैंड और कैपिटल हमारे अपने आप से यूजफुल नहीं हो सकता है। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रैदर देन एन एसेट। बहुत समय तक भारत में ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे को लाइबिलिटीज हम मानते थे, जबकि एसेट्स हैं। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। लेकिन लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारे लिए बर्डन नहीं है इकोनॉमी के लिए। इट कैन बी टर्न इंटू अ प्रोडक्टिव एसेट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेस एंड सो ऑन। जबकि हम जानते हैं अगर हम ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव एसेट्स है, अगर हम इस पर इन्वेस्ट करें उनके एजुकेशंस पर, उनके हेल्थ पर, उनके ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर, उनके एग्रीकल्चर वर्क ऑफ ट्रेनिंग पर और अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर, साइंटिफिक रिसर्च पर, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। द टू फॉलोइंग केसेस इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम अ मोर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। आपको दो केसेस बताए जा रहे हैं जिससे ये पता चलेगा कि पीपल किस तरह से प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बने। स्टोरी ऑफ साकार। देर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड साकार लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। दो फ्रेंड थे विलास और साकार, एक ही गांव में सीमापुर में रहते थे।
सकाल वॉज अ 12 years old boy. सकाल 12 साल का लड़का था. हिज मदर शीला लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स. उसकी जो मम्मी थी शीला वो घर के काम को देखती थी. हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन एन एग्रीकल्चर फील्ड. उसके फादर जो थे बूटा चौधरी वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे. सकाल हेल्प हिज मदर इन अ डोमेस्टिक कोर्स. सकाल भी अपने मम्मी को घर के काम में हेल्प करता था. ही ऑल्सो लुक आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू. अपने छोटे भाई जीतू और सीतू की भी वह देखभाल करता था. हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब. उसके जो अंकल थे श्याम उसने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास किए थे लेकिन उनके पास कार्य नहीं होने के कारण वो घर पर ही बैठे थे. बूटा एंड शीला वे ईगर टू टीच सकाल. बूटा और शीला चाहते थे कि वो सकाल को पढ़ाएं. दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच इज सून जॉइन. उन्होंने उसको फोर्स किया गांव के स्कूल को ज्वाइन करने के लिए और उसने ज्वाइन किया. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. वो पढ़ता रहा और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया. हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज. उसके फादर ने उससे कहा आगे और पढ़ाई करने के लिए. ही रेज्ड अ लोन फॉर सकाल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स. उसने लोन लिया और सकाल को वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स पढ़ाने लगे. सकाल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग. सकाल शुरू से ही मेहनती था और उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी था. विथ ग्रेट वेगर एंड एंथुसिज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स. बहुत एक्साइटेड के साथ और इंटरेस्ट के साथ उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म. और कुछ समय के बाद उसको प्राइवेट फर्म में एक जॉब मिला. ही एवर डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. वह हर समय एक नए तरीके के सॉफ्टवेयर डिजाइन करने लगा. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म. और इसके सॉफ्टवेयर के कारण उस फर्म की सेलिंग इंक्रीज हो गई. हिज बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विस एंड रिवॉर्डेड हिम विथ अ प्रमोशन. उसके बॉस ने उसके सर्विस को ध्यान में रखा, उसके नॉलेज को ध्यान में रखा और उसको प्रमोशन दे दिया. नाउ स्टोरी ऑफ विलास. विलास वॉज एन 11 years old boy residing in the same village as सकाल. विलास भी 11 साल का ओल्ड लड़का था. वो सेम सकाल के विलेज में रहता था. विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन. विलास के फादर महेश जो थे वो फिशरमैन थे. हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years old. जब वो 2 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई. हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली. उसकी मदर गीता मछलियाँ बेचती थी अपने फैमिली को चलाने के लिए. सी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी. वो लैंड ओनर्स के जब पॉन्ड से फिश लाती थी और पास की मंडी में बेचती थी. सी कुड अर्न ओनली ₹150 a day बाय सेलिंग फिश. एक दिन में उसके ₹150 कमाई होती थी मछलियाँ बेचकर. विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. वो विलास जो था आर्थराइटिस का पेशेंट बन गया. हिज मदर कुड नॉट एफर्ट टू टेक हिम टू द डॉक्टर. उसके मदर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसको डॉक्टर तक ले जाती. ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर. वह स्कूल भी नहीं जा पाया. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज. उसको पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था. ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन. वो अपने मम्मी को खाने बनाने में हेल्प करता था और अपने छोटे भाई मोहन की देख रेख करता था.
After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. और कुछ समय के बाद उसकी मम्मी भी बीमार हो गई और कोई नहीं था उसकी देख रेख करने के लिए. There was no one in the family to support them. उसके फैमिली में कोई भी नहीं था ऐसा जो उसको सपोर्ट करे. विला टू वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज. इस तरह से विला को भी सेम विलेज में फिश बेचने पड़े. ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ माइगर इनकम. वो भी अपने मम्मी की तरह थोड़े से इनकम पर ही गुजारा करने लगा. इन द टू केसेस स्टडीज वी सॉ सकाल वेंट टू स्कूल एंड विला डिड नॉट गो. ये दोनों केसेस में हम लोग देख रहे हैं सकाल स्कूल जाता है जबकि विला स्कूल नहीं जाता है. सकाल वॉज फिजिकली स्ट्रांग एंड हेल्दी. सकाल जो था फिजिकली स्ट्रांग भी था और हेल्दी भी था. देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली. और इसलिए उसको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस. ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर. विला जो था वो आर्थराइटिस का पेशेंट था और उसको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा. सकाल एक्वायर अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सकाल को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री मिली हुई थी. सकाल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म बाय विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज द मदर एज हिज मदर. सकाल को प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गया था जबकि विलास को अपने सेम मम्मी का कार्य संभालना पड़ा. ही अर्नड अ मेगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली. अपने मम्मी की तरह उसको भी अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम इनकम मिली थी. इन द केस ऑफ सकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर. सकाल के केस में कुछ साल की पढ़ाई उसके लेबर के क्वालिटी को इम्प्रूव की. दिस इन्हेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी. इससे उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी उसको मिली. टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. उसकी पूरी प्रोडक्टिविटी अपने इकोनॉमी को भी बढ़ाया. दिस इन टर्न पेज एंड दिस इन टर्न पेज एंड इंडिविजुअल थ्रो सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस. तो इस तरह से हमारे एक जन को अपने सैलरी भी हमको मिलती है और दूसरा चॉइस भी मिलता है. इन केस ऑफ विला देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ. विला के केस में उसे ना तो एजुकेशन मिली ना उस पर हेल्थ केयर किया गया उसके अर्ली लाइफ में. ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर. वो अपने गुजारा अपने मम्मी की तरह ही फिश बेच कर करने लगा. हैंसफोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर. तो इस तरह से जैसे अनस्किल्ड लेबर जैसे उसकी मम्मी थी उस तरह से ही उसको सैलरी मिलने लगी. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स या एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर. अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन और मेडिकल केयर पे तो हमारे को नियर फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलता है. दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल. ये इन्वेस्टमेंट सेम जैसे हम लोग लैंड और कैपिटल पर इन्वेस्ट करते हैं वो सेम इन्वेस्टमेंट के रूप में है. अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. अगर हम एक बच्चे पर उनके एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करते हैं तो वो आने वाले फ्यूचर में हमें ज़्यादा प्रदान करेगी. हमें को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमको मिलेगी और अपने सोसाइटी को भी हेल्प करेंगे. एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड. पढ़े लिखे पेरेंट जो है ज़्यादातर अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं. दिस इज
बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि पढ़ाई ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और वो बच्चे की प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन पर भी ध्यान देते हैं. दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर द चिल्ड्रेंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ. वो बच्चों की स्कूल के एजुकेशन की ज़रूरतें और उनके हेल्थ की ज़रूरतों पर ध्यान देते हैं. अवर वर्टुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस. और इस तरह से एक तरह का वर्टुअस साइकिल क्रिएट होता है. इन कॉन्ट्रेस्ट अ विशियस साइकिल मे बी क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स हु देमसेल्फ अनएडुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन कीप द चाइल्ड इन अ सिमिलर डिसएडवांटेज्ड स्टेट. और बहुत सारे और ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो खुद भी नहीं पढ़े लिखे हैं और इसके कारण उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे और वो ना तो उसके हाइजीन पर ध्यान दे रहे हैं और ये उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स. जापान जैसी कंट्री भी ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करती है. दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स. उनके जब खुद के नेचुरल रिसोर्स नहीं है. दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच. और ये कंट्री डेवलप भी है और रिच भी है. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन द कंट्री. वो अपने देश के रिसोर्स को बाहर से मंगवाती है. हाउ डिड दे बिकम रिच और डेवलप. वो कैसे रिच बने और डेवलप बने. दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पर एजुकेशन और हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट किया. दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल. और इसके कारण वो अपने लैंड और कैपिटल पर अच्छा यूज़ करे और उस पर अच्छा ध्यान दे पाए. एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी evolved by people have made these countries rich and developed. उनके efficiency के कारण उनके technology के कारण ये country rich और developed बनी. So student, we have to revise up to this. You have to revise this lesson. Next class we'll meet again. Thank you.